डब्बू चुंदरी सुंदर बहुत है ये, बड़ी बड़ी आंखों वाला लोंडा है हमारा, है ना डब्बे? सोना है तू, बहुत सुंदर है। सच में किसने कहा तू सुंदर है? आए आए, ऑडियंस बताएगी सुंदर है भाई हमारा डब्बू। कमेंट करना जरूरी जरूर अगर डब्बू सुंदर लगा तो। क्या हुआ वीर, क्यों रो रहे हो? मैं आप सबसे ना एक शिकायत करना चाहती हूँ व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले। आप लोग बिल्कुल भी मेरी रिक्वेस्ट करने पर भी वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करें, ताकि मुझे पता तो चले कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक जाती है एंड कितने लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, पूरा देखते हैं, या फिर आप बस ऐसे स्किप करके चले जाते हो, ये भी ज़रूर बताना। और आज बस यही थोड़ा बहुत मैंने जो क्लिप्स हैं ऐड करके आप लोगों के लिए व्लॉग बनाया है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि आपको बोर बिल्कुल ना होने दूँ और आपको एंटरटेन करूँ, बट फिर भी आप लोग पता नहीं क्यों एंटरटेन होते ही नहीं हो। बट फिर भी मैं मेहनत करती रहूँगी एंड प्लीज़ आप लोगों का सपोर्ट मुझे ऐसे ही देते रहना। शीश शानू आरब 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 बाय। अकेले बच्चे को देख के तू रोब मारता है, हैं? ओ कहाँ बैठा है चेरी? डब्बू रुला दिया तूने, बाहर बैठ के रो रहा है वो। आज बनाए हैं मीठे पूड़े और साथ में है चाय। आप सबको इनवाइट कर रही हूँ, आप सब भी आके खाएं। मीठे मीठे पूड़े खाने का मन कर रहा था तो मैंने बना लिए, आप भी खा सकते हैं। और यहाँ पे मम्मी जवे तोड़ रही है। आप लोग क्या बोलते हो, हम तो इन्हें जवे बोलते हैं, ये जो छोटे छोटे से होते हैं। और ये लोग वैसे मीठा बना के भी खाते हैं और कई लोग इसको नमकीन भी बना के खाते हैं। मुझे नमकीन वाले पसंद हैं, मीठे वाले इतने अच्छे नहीं लगते। मीठे वाले बोलते हैं कि जिस टाइम लेबर पेन स्टार्ट होते हैं, मतलब कि जब 9वां महीना चलता है ना, तो इसे दूध में पका पका के खाना चाहिए, नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो जाती है। अब इसमें पता नहीं क्या सच है क्या झूठ है, ऐसा ही होता है मम्मी? कहते हैं ना कि दूध में डाइए गर्म होती है, दूध में डाल के खानी चाहिए। हाँ उस टाइम देते हैं बना के। हाँ और मम्मी तो जल्दी जल्दी तोड़ रहे हैं, मेरे से तो ये टूटते नहीं है गाइज, मुझे बनाने नहीं आते, मैं भी सीखती हूँ। दोपहर का लंच तो मेरा ये जवों से ही हो जाएगा, बाकी देखते हैं क्या करते हैं। एंड यस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग गाइज। और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ 1 बजे दोपहर को। और आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मुझे पता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड जिन्होंने भी वीडियो को अभी तक मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं वो देख लें, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें चैनल को। एंड चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कल मम्मी ने ये जवे बनाए थे तो मेरा आज मैंने सोचा इसको बना लेती हूँ, नमकीन बनाऊँगी। अभी मैं इसे भून रही हूँ, भूनने के बाद बनाऊँगी। और बड़ा मन कर रहा था खाने का तो मैंने सोचा आज ये खाते हैं बना के लंच में। आज रोटी खाने का मन नहीं है और आज मोटा भी नहीं आएगा घर, तो मैंने सोचा मैं और मम्मी ही हैं, हम तो यही खा लेंगे जब ये बना के। और ये क्रिस्पी से बिल्कुल भुन गए हैं गाइस, देखो देख के ही पता लग रहा होगा, गर्म है ये अभी थोड़े। और जवे बन के हो गए हैं मेरे रेडी, जिसको भी अच्छे लगते हैं वो सादर आमंत्रित हैं, आ सकते हैं खाने के लिए। बना लिए मैंने नमक वाले। आप लोग मीठा खाना पसंद करते हैं नमक वाले, कमेंट करके ज़रूर बताना। जब भी इसे कोई सिफारिश लगवानी होती है ना गाइज, तो ये ऐसे आके मेरे को बोलता है कि पापा को कुछ कह दे। क्या कहना है जेरी, क्या सिफारिश लगाऊं? बाहर जाना है, है? क्या बाहर बाहर बताऊँ? क्या बोलूँ तू बता, अच्छा वही बोल दूँगी। क्या बोलूं? बाहर के लिए बोलूं? बाहर के लिए, बाहर जाने। आज चेरी कुछ कहना चाह रहा है बट ये क्या कहना चाह रहा है समझ नहीं आ रही। अभी तक सो रहा था ये, खाना भी डाल दिया, सब कुछ कर दिया इसको ना हमने, बाहर का दिखा दिया थोड़ा सा, और ये सारा दिन रुस्सा रहता है।
चेरी चला गया, चेरी की और इसकी बनती नहीं है बिल्कुल भी, भूखी लगी उसको। आई लव यू बोल दो पापा को। फ्लाइंग किस ऐसे भी कर दो, कर दो। गए पापा बेटे, आए मेरे बेटे की फ्लाइंग किस नहीं लेके गया। ओए ओए री, कोई बात नहीं। और इस टाइम गोपाल लेके आया है ये कचौरी, और ये पता नहीं आलू की सब्जी है शायद। मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, मैंने ऐसे कभी खाई नहीं है। पता नहीं कैसी होती है टेस्ट में, लेट्स सी, देखते हैं टेस्ट करके। एंड मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।